आपको बता दें सुकमा से एक बड़ी खबर, जहां एक हार्डकोर समेत तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एक हार्डकोर नक्सली है, कुल तीन नक्सली गिरफ्तार किए गए। एक नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम तक है। गिरफ्तार नक्सली के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। जिले के गोलापल्ली क्षेत्र में यह एक्टिव था। सतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, गिरफ्तारी कब हुई है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि लगातार माओवादियों के होने की सूचना के बाद में जवानों का ऑपरेशन जारी है, और इसी आधार पर जो है गोलापल्ली और इलाके में एक सूचना मिली थी कि काफी नक्सली जो है उस इलाके में इकट्ठा है, जिसके बाद जो है फोर्स उस इलाके में रवाना हुई। ये सिंगाराम और जबीली का इलाका है, वहां पर जैसी फोर्स पहुंची तो फोर्स को देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश की और घेराबंदी करके तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हासिल हुई। और पूछताछ के दौरान एक हार्डकोर नक्सली, जिस पर 1,00,000 का इनाम है, बाकी दो जो है छोटे कदर के नक्सली है, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। तीनों से पूछताछ की गई है, उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, फिर वहां से जेल भेजा गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।